सीताराम दोस्तों, समकालीन विश्व में लोकतंत्र ही टॉपिक है हमारा। आज हम कुछ देशों के, यूरोप के देशों के, अन्य देशों के और अपने देश के कैसे तख्ता पलट होता है, क्या लोकतंत्र होता है, कैसे हम उसको लोकतंत्र को शामिल करते हैं वो पढ़ेंगे। किन्हीं देशों का हम आपको एग्जांपल देंगे, चलिए ऐसे देशों का, और उसके द्वारा हम अपने देश में भी वापस आएंगे। ओके दोस्तों, चलिए बिना टाइम बर्बाद के आगे बढ़ते हैं। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, चिली में तख्ता पलट कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी के टाइम हुआ इसलिए अभी पढ़ा जा रहा है। 11 सितंबर 1973 को चिली के जो राष्ट्रपति थे आयंदे की सरकार का, उन्हीं के सेना ने तख्ता पलट कर दिया। क्यों? उनके जो जनरल थे अगस्तो पिनोसे, उनका बोलबाला होने लगा था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट के बाद जो वही जनरल क्या बन गए, चिली के राष्ट्रपति बन गए, समझिए बात को, कौन से, पिनोसे, जनरल अगस्तो पिनोसे वही चिली के राष्ट्रपति बने तख्ता पलट के बाद। और फौज ने क्या किया, राष्ट्रपति आयंदे जो पहले राष्ट्रपति थे, फौज ने उनके घर को घेर लिया, बम बरसाए, और इसी फौजी हमले में जो चाहे राष्ट्रपति आयंदे थे उनकी मौत हो गई। और इस तख्ता पलट का जो सैन्य शासकों को किसने साथ दिया था, अमेरिका ने दिया था। क्यों? कि अमेरिकी की सरकार आयंदे शासन से खुश नहीं थी, उन्होंने साथ दे दिया और उन्होंने पिनोसे निपटा दिया राष्ट्रपति आयंदे को। अब पिनोसे की सरकार ने आयंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वाले सभी लोगों को मार डाला, हत्या कर दी। और वे सभी फौजी अधिकारी जिन्होंने तख्ता पलट में शामिल होने से इनकार कर दिया था उनकी भी उन्होंने हत्या कर दी। और इसी में वायुसेना के जो प्रमुख थे चिली के, जनरल अल्बर्टो बेसेले भी प्रमुख थे, उनकी पत्नी और बेटी को जेल में जाकर काफ़ी प्रताड़ित किया गया, समझिए, नहीं साथ दो तुमको भी मारेंगे, मारा किया भी उन्होंने ऐसा। वापसी कैसे हुई लोकतंत्र की, जब 70 वर्ष के शासन के बाद पिनोसे जो जनरल थे उनका सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ, जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला कर लिया और लोगों ने क्या किया, सैन्य शासन को नकार दिया। और सैन्य शासन के अंत के बाद जनरल बेसेले की बेटी मिशेल बेसेले चिली की राष्ट्रपति चुनी गई, जो एक लोकतांत्रिक सरकार थी। क्या नाम था, मिशेल बेसेले, मिशेल ओबामा को जाना, बराक ओबामा की वाइफ थी। लोकतांत्रिक सरकार द्वारा कराया गया जांच में पाया गया कि पिनोसे सरकार सिर्फ कूल ही नहीं थी जनरल कोने से थे, अब तो उसने सभी भारी भ्रष्टाचार भी किया था। ये अब पोलैंड में अलोकतांत्रिक सरकार कैसे हुई, 1980 में पोलैंड पर जारूसलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का क्या हुआ, शासन था, जो मजदूर वर्ग के नाम पर चलता था। किसके नाम से चलता था, मजदूर वर्ग के नाम पर चला रहा था। अब पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी उन साम्यवादी दलों में से एक नेता था जो पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करता था, समझो। और इन साम्यवादी शासन वाले देशों में किसी अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, इतना बुरा हाल था। जो लोग साम्यवादी शासन अधिकारियों को चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे, नेताओं, पार्टी या सरकार के खिलाफ आग उठाओगे तो जेल में डाल दिया जाता था पोलैंड में। और पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था, अब सोवियत संघ ही इस पर नियंत्रण रखता था। अब जनरल जारूसलेस्की ने आंदोलनों और अपनी आलोचनाओं से घबराकर 1981 में मार्शल लॉ घोषित किया। लोकतंत्र कैसे आया पोलैंड में, लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल किया, उसका नेतृत्व बाद में लेक वलेसा ने किया, जो एक पैसे से किसान था वही पोलैंड के राष्ट्रपति बने। पोलैंड में कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी क्योंकि देश शासक दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति भी नहीं थी। जब हड़ताल को समर्थन मिलना शुरू हो गया तो मजदूरों ने बड़ी मांगें शुरू कर दी, जो निम्न थी, स्वतंत्र मजदूर संघ बनाने की मांग, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, प्रेस पर लगी सेंसरशिप को हटा दिया जाए। चिली में किसके द्वारा कब सरकार का तख्ता पलट किया गया, 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोसे ने वहां के सरकार का तख्ता पलट किया, आयंदे वटाका के राष्ट्रपति। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार कैसे कहते हैं, 18 वर्ष के अगर आप हो गए हों या उससे अधिक हो गए हों तो
तो आपको बिना किसी रंग भेद, जाति, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बगैर आप वोट दे सकते हैं। इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं, व्यक्त मताधिकार कहते हैं। जनमत संग्रह क्या होते हैं? सभी मतदाताओं के समक्ष एक प्रस्ताव रखकर उसमें हाँ या ना में जवाब लेने वाला जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यह किसी निसंधान कानून सरकार की एक नीति पर कराया जाता भाई। जनमत संग्रह सोचा जाएगा अच्छा काम है बोलोगे हाँ तो ठीक है बोलोगे ना तो वही जनमत संग्रह कुछ राय ली जाएगी आपसे। चिली के सैनिक युद्धों में किसकी सहायता थी? चिली के सैनिक युद्धों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैनिक युद्धों में मदद की थी। अगर देश में सैनिक शासन हो जाए तो हमारे किन अधिकारों का हनन होगा बताइए? अगर आपके हो जाए तो राजनीतिक गतिविधियाँ मान्य नहीं की जाती हैं और ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को समय बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकते हैं और पता जितने मन की सजाओ भी दे देंगे। वकील दलील के लिए सैन्य शासन में कोई स्थान भी नहीं है, समझ गया? प्लीज दारगुना होने दे। आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेख वाले से कौन थे? एक पोलैंड के मजदूर यूनियन के एक अच्छे से नेता थे, पैसे से इंजीनियर थे, बाद में 1990 में चुनाव हुआ तो पोलैंड के राष्ट्रपति बने। अफ्रीका के उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था? घाना। आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों के क्या स्थितियाँ थी? आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या सबसे अधिक है, अभी उनकी संख्या और बढ़ रही है। अब पुराने लोकतांत्रिक देश हैं उनमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ। सोलह जिले की क्या होता है? एक संगठन का नाम है। 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया। कुछ ही वर्षों में संगठन का सदस्यों की संख्या करोड़ों पहुंच गई। जिसके नेता कौन थे? लेक वालेसा, बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति बने। साम्यवादी शासन क्या होता है? किसी देश की साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया गया शासन जिसमें अन्य पार्टियों को शासन सत्ता के लिए प्रयास करने की भी इजाजत ना हो, वही है साम्यवादी शासन। राष्ट्र सही बड़ी संपत्तियों उद्योगों को पकड़ कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। G8 के देशों के नाम बताइए। कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस। सबसे बड़ा धन देने वाला संस्थान कौन सा है विश्व में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1990 में जब पोलैंड में किस पार्टी सरकार बनी? 100 में से कितनी सीटें जीती? 16 जिले की पार्टी सरकार बनी, 99 सीटें जीती। गजांस्क संधि के बने मजदूर का संगठन का नाम बताइए। सोलिडारनोस्क। पोलैंड में 48 मजदूरों का नेतृत्व किसने किया? लेक वालेसा ने, जो पैसे से इंजीनियर थे। 1980 में पोलैंड में किसकी सरकार थी? जनरल जारूसिल्स्की की। आयंदे कौन थे? नीतियाँ क्या थी? चिली के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन किया। नीतियाँ थी गरीबों मजदूरों के फायदे वाली अनेक नीतियाँ थी। शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों में मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के कार्यक्रम शामिल थे। विदेशी कंपनी द्वारा देश से तामन या प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ थे। और पोलैंड में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? 11 सितंबर 1973 को अगस्त पुनर्सुधार सरकार का तख्ता पलट किया गया। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाता है। शासन प्रणाली कितने प्रकार की होती है? सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? लोकशाही, लोकतंत्र, राजशाही, राजतंत्र, तानाशाही, मार्शल्ला। सबसे अच्छी भैया लोकतंत्र। दोस्तों वही बार बार कुछ हो रहा है, हमने आपको पढ़ाया लोकतंत्र के बारे में। हमारे सपने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।